के पाठक से उलझने के बाद अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस्तीफे की डिमांड होने लगी है। चंद्रशेखर को यह बताया जा रहा है कि के पाठक ने आपके पीएस को नहीं बल्कि आपको विभाग आने से रोक दिया है। थोड़ी भी अगर लोकतंत्र में लाज शर्म बाकी है तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल महागठबंधन की सरकार में मचे बवाल के बीच बिहार बीजेपी के नेता कूद पड़े हैं। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में शिक्षा विभाग में अगर बच्चों के भविष्य को संवारना है तो शिक्षा मंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। राजद पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर हावी हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार को राजद किसी तरीके से परेशान करना चाहती है, यह दावा और दलीलें अब होने लगा है। बीजेपी ने कहा कि राजद पूरी तरीके से सरकार पर कब्जा करना चाहती है और यही वजह है कि विकास पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार चोर दरवाजे से राजद को साथ लाकर सरकार तो बना लिए, लेकिन इस सरकार में नीतीश कुमार के ऊपर मुसीबत ही मुसीबत दिख रही है। नीतीश के लिए भाजपा का एक बार फिर से प्रेम छलका है और चंद्रशेखर से इस्तीफे की मांग कर दी गई है। आज बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। वो आपके पीएस को नहीं आपको रोका गया है, आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग में हमारे बच्चों को? क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? आज सरकार को इस तरह के शर्मसार स्थिति बनने से पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से राजद हावी हो चुका है। मुख्यमंत्री सत्ता के लिए लाचार बेबस हो चुके हैं और राजद भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। कानून का राज खत्म है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है और अगर जो समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से आने वाले लोगों को आप उस जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी भी आपको बिहार के जनता के प्रति दर्द है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार को मुक्त करें। अपराधी और भ्रष्टाचारी कभी सुशासन स्थापित नहीं कर सकता और ये लोग बिहार के बर्बादी के बड़े नायक बनेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।